देखिए आज का ये जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। इसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन सिलेबस खत्म होने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। कुछ बच्चों का एडमिशन बहुत लेट हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि अभी कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं, बस नोट्स बना लिए। तो एक बार फिर से हम पूरा सिलेबस शुरू से पढ़ाएंगे, रिविजन की तरह नहीं पढ़ाएंगे। जैसे हमने क्लास ली वैसे ही सारी क्लास फिर से होगी, पर आप ये सोच करके ये वाली क्लास छोड़ना ना, मतलब छोड़ना नहीं है, और साथ में जो नोट्स आप बना रहे हो उसको भी रोकना नहीं। जिन बच्चों का नोट्स नहीं बना है वो लोग बनाएंगे, और जिन बच्चों का बन चुका वो रिवीजन कॉपी में फिर से नोट्स बनाएंगे। इस नोट्स में क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, थ्योरेटिकल चीज़ें हम सिर्फ आपको बताएंगे, लिखवाएंगे नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप दूसरे फ्रेंड से मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आज का लास्ट टॉपिक है, आइसोटोप, आइसोबार एंड एवरेज एटॉमिक मास। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर आप सब तक ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हो और कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो सो रहे हैं, आई थिंक 160 स्ट्रेंथ है, और जिसमें कि सिर्फ 15 स्टूडेंट ज्वाइन किए, इसका क्या मतलब बाकी लोग सो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जो पढ़ेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, बाकी लोग तो एग्जाम भी नहीं दिए हैं। चलिए ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। सो पहला जो टॉपिक हमारा आज का आइसो टॉप्स होता है, आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है। ये देखिए आपके नोट्स से, मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स नहीं दूंगा, जो भी नोट्स है आपको इसी स्क्रीन से लेनी है। मैं कोई भी असाइनमेंट में नोट्स नहीं दूंगा, असाइनमेंट में अगर दूंगा तो सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, लेकिन जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, ठीक है। आइसोटॉप मीन्स सच टाइप ऑफ स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अगर आपने पिछला वीडियो पढ़ा हो तो वहां पे हमने आपको बताया था, सपोज ये कोई स्पीसीज एक्स है, ये स्पीसीज एक्स है, इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। सो अगर हम बात करें एटॉमिक मास, और फिर एक होता है हमारा एटॉमिक नंबर, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि ये हमारी कोई स्पीसीज थी एक्स नाम की, एक्स में भी एनी एलिमेंट, ये सारी चीजें पुरानी है, फिर भी हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। तो जो एटॉमिक मास होता है वो स्पीसीज में एबो साइड पे लिखा जाता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो बिलो साइड लिखा जाता है। अगर आपको एक फार्मूला याद हो तो हमने उस फार्मूले में आपको बताया था ए इक्वल टू जेड प्लस एन, जिससे कि आप नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करते थे। ए इक्वल टू जेड प्लस एन, एन फा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फार्मूला बहुत पुराना, हमने पहले ही आपको बता दिया था, तो इस फार्मूले की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पर हमें जो कहना था, द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ, सॉरी, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तभी पता चलेगा जब हम आइडेंटिफाई करना जानेंगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से लिख दिया है कि एटॉमिक मास कहाँ होता है, एबो साइड होता है। अच्छा, जो एटॉमिक नंबर होता है उसे आप जेड से लिखते हैं, एटॉमिक मास को आप कैपिटल ए से लिखते हैं। तो कोई स्पीसीज लेते हैं जो कि एक एग्जाम्पल हो आइसोटॉप्स का, और उस आइसोटॉप के एग्जांपल से हम ये पता भी करते हैं कि उसका एटॉमिक मास सेम है या फिर डिफरेंट है। कि आइसोटॉप लेते वन वन एच वन, ठीक है, दूसरा वन एच टू, तीसरा है, ये सब आपस में आइसोटॉप है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप होते हैं, तीसरा होता वन एच थ्री। तो ये देखिए, ये हमने तो सब इक्वल करके लिख दिया, पहले तो इन्हें अरेंज करना पड़ेगा, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये इसका एटॉमिक मास जो कि एबो साइड होता है, ठीक। ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे के आइसोटॉप है, पर कैसे पता चलेगा। तो देखिए, ये जो बिलो साइड है इसके एटॉमिक नंबर सबके कितने, वन है,
बट एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, तो यही तो आपकी डेफिनेशन है ना, स्पीसीज व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी ले लेते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर जो है सेम हो। ये एग्जांपल था आपका, सेकंड एग्जांपल के लिए हम एक और लेते हैं। एग्जांपल 7 नाइट्रोजन का है एंड 14 दूसरा 7 एंड 7। अब आप खुद ही गेस कर चुके होंगे हम क्या लिखने वाले हैं। बहुत करेंगे 15 कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर बात कर लें 7 फिर से एन 15 कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे अभी भी एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। तो ऐसे लोग आपस में क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कोई पूछते और ले लेते, कार्बन के भी होते हैं। सॉरी, तो कार्बन में क्या होता है कि एक और एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं। कार्बन के लिए होता है एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर फिर से 6 और एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 13। अगला होता है एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास 14। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है चेंज हुआ, पर कोई बात नहीं, अभी हम आपको सही कर देते हैं। एक और होता है, तो अभी वो भी कर देते हैं। देखिए ये आपस में आइसोटॉप है कि नहीं आप पता करके बताइए। अगर आपको बातें समझ में आई हो तो कमेंट में यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, ठीक है। ये कार्बन के आइसोटॉप है कि नहीं है, हाँ अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और होता है C6H14। काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि नो डाउट, तो अच्छी बात है। अगर आपको डाउट हो तो आप बिना शर्म के ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने ढेर सारे एग्जांपल लिख दिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है कि इस तरह से हमें लिखना पड़ता, समय लगता है, अदरवाइज बहुत फास्ट खत्म हो जाता है ये। तो ये सब के सब एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। कमेंट कुछ आए पढ़ लेते हैं, नो डाउट सर, ओके। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आईडियो भी ऑन करके आप पूछ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लेक्चर को रोकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना हो आप आईडियो ऑन करके पूछ लीजिए। नहीं, ठीक है, एक्सप्लेन अगेन सर। आपको क्वेश्चन बताते हैं जो कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप से संबंधित है, तो आप इम्पोर्टेंट करके लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। नेम द एलिमेंट, आपको आंसर बताना है। नेम द एलिमेंट विच ठीक है, आपका आंसर आ गया ना। एक्चुअली आप देख रहे होंगे अगर इसमें न्यूट्रॉन नहीं है तो क्यों नहीं है, फॉर्मूला को पता है A इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी इक्वल टू ए माइनस जेड। तो यहाँ ए और जेड की वैल्यू 1 है। जब आप इसको घटाएंगे, ड्यूटेरियम नहीं बेटा, प्रोटियम इसका नाम है, अपने गलत लिखा है, इसका नाम प्रोटियम अभी मैं लिख दूंगा। तो जब 1 में से 1 आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 आंसर आएगा। इसलिए आपका आंसर यही है, बट अभी कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलत आंसर दिया था, इसका नाम गलत बताया था। देखिए इसका जो नाम होता है ना, कभी कभी इनके नाम पूछ लेता है, तो हम यहाँ सबके नाम भी टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है। नाम कुछ इस प्रकार से है, इसका नाम होता है प्रोटियम, ठीक है, इसका नाम है प्रोटियम, मतलब कि ये सिंगल वाले का। अच्छा, इसको एक फॉर्मेट में और लिखते हैं, आज की जगह पे ना यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं,
और यहाँ एच की जगह पे क्या लिखते हैं, टी लिख देते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। और डी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना आपका, ये ड्यूटेरियम हो जाता है, ड्यूटेरियम। और सेम इसके लिए भी ऐसे ही सच लिख सकते हैं, ट्राइटियम। ठीक है, तो ये इनके नाम होते हैं। तो कभी कभी नाम दे के भी पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में कि किसके पास आपके न्यूट्रॉन्स नहीं हैं, तो आप वहां से कर लीजिएगा कि आपका प्रोटियम आंसर है या फिर 1H1 आंसर है। क्यों है तो आप इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इनका नाम भी पूछते हैं और सिंबल भी पूछते हैं, तो ये सिंबल आप याद रखिएगा, नहीं याद है तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है आइसोबार है। देखिए इसमें भी आइसो शब्द लगा है ना, आइसो, आइसो मीन्स होता सेम, और वहां भी क्या लगा था, आइसोटॉप्स लगा थे। ठीक है, आइसोबार आइसोटॉप में थोड़ा सा अंतर है, जो भी डिफिनेशन आपके आइसोटॉप्स की है उसकी उल्टी कर देंगे तो आपका आइसोबार आ जाएगा। मतलब आपने देखिए क्या पढ़ा था, थोड़ी सी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी आप सर्च करके चलिए। द स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम थे बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस थे। बट अब उल्टा कर दो, द स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए इसकी जो डिफिनेशन हमने लिख रखी ऑलरेडी, आप यहाँ से चेक कर लीजिए, जो मैंने बोला क्या वही लिखा है या फिर कुछ और लिख दिया। ठीक है, अब फटाफट देख लीजिए, अगर डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, एक मिनट का समय है। थोड़ा सा दोनों को आप आगे पीछे करके देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लिया करो नोट्स के लिए, अदरवाइज आप मेरे साथ में भी नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ाता, ये आपको पता है पहले से। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ दिया गया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। या स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर तो क्या थे वहां पे सेम थे, यहाँ पे डिफरेंट होंगे, बट एटॉमिक मास क्या होगा, वहां पे एटॉमिक मास डिफरेंट था, यहाँ पे ये चेंज होगा। देखिएगा यहाँ पे आपका तो दोनों कॉमन यहाँ पे नहीं देख पाएंगे आप, इधर से मैच कराइए। इसका एटॉमिक नंबर 1 था बट एटॉमिक मास 1-2 था, यहाँ पे क्या होगा, इसका ये चीज चेंज होगी, इसकी ये वैल्यू चेंज होगी, बट इसका एटॉमिक नंबर जो होगा, सॉरी एटॉमिक मास जो होगा सेम होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पोटेशियम एटॉमिक नंबर जो इसका होता है 19 होता है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, और इसका जो एटॉमिक मास होता है 40 होता है। ठीक है, एंड एक और लेते हैं, पोटेशियम के साथ हम लोग लेते हैं 18 एटॉमिक नंबर, आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40। तो आप देख पा रहे होंगे क्या चीज डिफरेंट है यहाँ पे, एटॉमिक मास, ठीक है, बट क्या सेम है, एटॉमिक चलिए आप इस एग्जांपल से देख पा रहे होंगे कि इनके जो एटॉमिक नंबर थे ये अलग अलग है बट एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो ऐसी स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर जो अलग अलग हो बट एटॉमिक मास सेम हो, ये क्या कहलाते हैं, अपने आप में एक दूसरे के आइसोबार होते हैं। तो इस तरह से हम इसमें एग्जांपल ले लिए हैं, तो कभी भी आपको एग्जांपल मिले तो ऐसे एग्जांपल से आप पता कर लीजिएगा ये आइसोबार है या फिर आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर और एग्जांपल की जरूरत है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। किसी को और भी एग्जांपल की जरूरत है कमेंट करिए, यस, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। यस सर, यस सर, अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर, यस सर, और भी एग्जांपल करा दीजिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, और एग्जांपल आप कर लीजिए। आप करना चाह रहे हैं एटॉमिक आइसोबार का एग्जांपल ना, ठीक है लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। जैसे ऑक्सीजन का आप ले लीजिएगा, लिखिएगा O18
एंड एक और ले लीजिएगा, रुक जाइए मैं आपको सर्च करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ कोई स्पीसीज हो, सॉरी कोई स्पीसीज सपोज कर लीजिए ए था, जैसे इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए कि 26 था और इसका एटॉमिक मास क्या था 58 था। दूसरा था कोई स्पीसीज भी थी, इसका एटॉमिक नंबर क्या था 26 ही था, सॉरी 26 नहीं कर लेते 27 कर लेते हैं, थोड़ा चेंज करना है, बट इसका एटॉमिक मास क्या था अभी भी 58 था। तो ऐसे लोग आपस में क्या होंगे, ये लोग आपस में होते हैं एक दूसरे के आइसोबार। बातें समझ में आपको आ गई होंगी। ठीक है, यही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे बट एटॉमिक मास सेम होंगे, वो लोग एक दूसरे के आपस में क्या होंगे आइसो बार होंगे। तो जब भी ऐसा कुछ मिलेगा तो आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, ये जो टर्म है एवरेज एटॉमिक मास, इसके लिए आपको एक फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप फर्स्ट इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप फर्स्ट अपॉन 100। थोड़ा कठिन लग रहा होगा फार्मूला, पर अभी एग्जांपल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप सेकंड परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप सेकंड अपॉन 100, दोनों के जोड़ देना है, जो भी आता हो एवरेज एटॉमिक मास आता है। चलिए कैसे करते हैं। अब ये परसेंटेज और ये जो एटॉमिक मास है ये कहाँ से मिलेगा, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये परसेंटेज क्या है, तो जो नेचुरल अबाउंडेंस होता है, जितने परसेंट वो प्रकृति में पाया जाता है, जो हमारे जो नेचर है उसमें कोई एलिमेंट कितना परसेंट पाया जा रहा है, वो चीज ये होता परसेंटेज। तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रख दिया है ताकि टाइम ना लगे। क्लोरीन हैज टू आइसोटॉप Cl1, इसका एटॉमिक मास 35 है एंड परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 75% है, ठीक है 75%। एंड सेकंड आइसोटॉप 5 एटॉमिक मास 37 एंड परसेंटेज इज इक्वल टू 25%। सो फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा फार्मूले में लगाइएगा। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं अब यहाँ पे, वीडियो को चाहे तो पॉज करें चाहे पे मुझसे टाइम ले लें, उन्हें खुद आंसर बताना, कुछ लोग आंसर खुद दे सकते हैं कितना आंसर आएगा। चलिए एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप फर्स्ट कितना था, यहाँ पे देखिएगा एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप फर्स्ट 35 मल्टीप्लाई बाय, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ आपको पता है ना, एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ 35 मल्टीप्लाई वाई। अब देखिए हमने इसका मास लिया, मास में कितने से मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज, उसी के परसेंटेज से, तो 75 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अपान में क्या करना था, इसके 100 करना था। फिर प्लस में क्या करना था, दूसरा एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप सेकंड, तो आइसोटॉप सेकंड आइसोटॉप का एटॉमिक मास देखिए यहाँ दिया गया कितना 37, ठीक है। इसको तो चाहे आप ब्रैकेट में कर सकते हैं अलग अलग, ये 37 में हमें कितना ऐड करना, उसी का परसेंटेज, देखिए सॉरी ऐड नहीं करना मल्टीप्लाई करना, उसी के परसेंटेज से, कितना परसेंटेज है 25%, अपान में क्या करना है 100, ब्रैकेट क्लोज। अब आप सॉल्व कर डालिए कितना आएगा, तो आपका जो आंसर आएगा मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, अब इतना तो आपको आता ही होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा 100 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, दोनों का जितना आएगा आप ऐड कर दीजिए, 35.5 इसका आंसर आएगा,
ठीक है, जो कि क्या है इसका एवरेज एटॉमिक मास, किसका, क्लोरीन का। तो आप जब भी पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, तो उसमें क्लोरीन का जो मास दिया रहता है यही दिया रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे, हेमंत ने हमें रिप्लाई भी किया था, तो ये आपका आंसर आ गया है। इस फार्मूले के हिसाब से आप कोई भी आंसर लाना चाहे तो ला सकते हैं आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसे लाने में। अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी में शायद हैं, हाँ हैं, आप आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसमें कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का है, इसको कर देते हैं यहाँ पे, अब तक टाइम है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये हमारा अगला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपके पास बुक हो आप खोल के फटाफट देखते कौन आंसर हमें देता है, लगा सकते खुद से, ऐसी फार्मूले में रखना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो जो जो वैल्यू दी गई मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से आइसोटॉप, इनके दो आइसोटॉप दिए गए हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। पहला क्या है बी आर, इसका जो एटॉमिक नंबर है 35 और एटॉमिक मास इसका 79 है, एटॉमिक मास आपका 79। और इसका क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज जो हमारा है परसेंटेज हमारा जो दिया गया है 49.7% दिया गया है, ये पहले का है। और दूसरे का कितना दिया गया है, तो दूसरा है 35 बी आर 81, और इसका जो परसेंटेज दिया गया है परसेंटेज इज इक्वल टू है 50.3%। तो ये देखिए आपके दोनों वैल्यू दी गई हैं पहले से, आप इनको क्या करेंगे, फटाक से फार्मूले में रखेंगे और आंसर लाएंगे, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। मैं इसको तब तक अरेंज कर रहा हूँ, उसके पहले आपका आंसर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं आएगा तो मैं तो हूँ लाके दिखाऊंगा। चलिए इतनी बातें तो क्लियर हो गई, बट अब हमें करना क्या है, वही फिर से पुराना मुद्दा, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। चलिए निकालते भाई, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा, तो पहले आपको बताया गया था कि उसका मास जो दिया गया, तो मास यहाँ पे सबका दिया गया है, तो ऑलरेडी जब मास दिया गया तो आपको ऐड करने में क्या है, मास पहले का कितना देखिए 79 मल्टीप्लाई करना था उसी के परसेंटेज से, तो कितना परसेंटेज है 49.7, और इसके बाद अपान में क्या करना था 100, ब्रेकर क्लोज करना है। फिर दूसरा, अगर एक से अधिक आइसोटॉप, कुछ के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर आइसोटॉप्स जो दिए गए हैं एक से अधिक हो या फिर 2, 3, 4 हो, तो सब में ऐसे ऐड करते जाना, ठीक है, आंसर तब भी वही आएगा। प्लस कर दीजिए, सेकंड के केस में क्या था, सेकंड का जो मास था कितना था, आप चेक करिए, सेकंड का मास 81 था, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके ही परसेंटेज से, तो परसेंटेज क्या था 50.3, और फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, आप डिवाइड करके आंसर ला सकते हैं, देखते हैं किसी का आंसर आया क्या। अब भाई जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उसका आंसर आ गया होगा 80.006, बहुत अच्छे, देखते हैं किसने दिया है, भाव्या ने दिया है, बहुत अच्छे बेटा, आपका आंसर बहुत अच्छा लगा देख करके, क्योंकि तो आपने कैलकुलेशन पे वर्क किया। आधे क्या करेंगे ना कि सर अभी करेंगे मैं वहां से लिख लूंगा, तो जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना आपका आंसर नहीं आएगा, मेरे बताने से आपको उतना ज्यादा समझ में नहीं आने वाला है। तो फिलहाल जो आपका आंसर आना है वो आ चुका होगा, तो जिसका भी आया हो तो एक आंसर मुझे मिल गया है, मैं देखता हूँ अपनी कैलकुलेशन से कि आंसर कितना आने वाला, तो आएगा आंसर यही जो भाव्या जी ने दिया है, ठीक है, ये इसका आंसर। अगर कोई यूनिट पूछे तो यू होता है, पहले सबको पता है एटॉमिक मास की यूनिट हम लोग यू लिखते हैं ना, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपने बुक खोल रखी हो तो आप उसको करिएगा, अभी करिए, अभी तो टाइम है अपने पास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कौन करता है, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में करने हैं, और यही आपकी नोट्स है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, आप हमसे नोट्स व्हाट्सएप पे या कहीं और नाम आगे यहाँ से नोट्स बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक का है,
अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो कहिए तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट कर दूँ। चलिए कर देता हूँ, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 11 अपनी बुक से देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन सर्च करके लाता हूँ, वहां पे टाइप कर देता हूँ। देखता हूँ कौन आंसर लाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन सर्च कर लिए फटाफट, जब तक कि मैं आपको वहां पे प्रिंटेड दिखाता हूँ। और आप उसे लगाने का भी प्रयास करिए, थोड़ी सी मैथ है, अगर आप 9th क्लास में पहुंच गए तो मैथ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। अब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो चुकी होगी ना, इसलिए आप क्या करें, कोशिश करें कि आप खुद से इसको करें। कोई बच्चा अभी हमें रिप्लाई नहीं दिया, बेटा आप लोग ट्राई करो तो अच्छा लगता है जब आपके आंसर आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में बातें तो आ ही रही होंगी। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया क्या आंसर लाने का? अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एनसीईआरटी पे ले चल रहा हूँ, उसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट ले चलता हूँ जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बुक में जरूर होगा। ये क्वेश्चन है, देखिए अभी 10th मैंने करवाया था तो मैं 10th को कॉपी नहीं करता, आप यहाँ से ले लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल एलिमेंट एक्स इज इतना, व्हाट द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप इतना 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 इन द सैंपल। तो एवरेज एटॉमिक मास दिया गया और परसेंटेज पूछा गया, बहुत अच्छी बात है, वही फार्मूला आपको लगाना है जिससे कि आपने अभी किया था। थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे ले चल के पेस्ट कर देता हूँ। चलिए मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आपके क्वेश्चन को मैंने पेस्ट कर दिया। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है ना, फॉर्मूला सेम है बट उन्होंने क्या कर दिया, परसेंटेज पूछ लिया है और क्या दिया, एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है। तो कोई बात नहीं यार, ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, पहले जो चीजें दी गई उसको आप लिखिए फार्मूले में और जो नहीं दी उसको छोड़ दीजिए। तो आपका जो दिया गया परसेंटेज दिया गया, किसका पूछा गया किसका दिया गया, ये हम लिखते हैं। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं ना, सोल्यूशन हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ किसका दिया गया है, तो 8x16, ये कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 8, एटॉमिक मास क्या है 16, और इसका जो परसेंटेज दिया पूछा गया हमें वो क्या है हमें पता ही नहीं है। तो मतलब ये कितना परसेंट हम कह सकते हैं, ये x परसेंट है, तो इसका परसेंटेज इक्वल टू हम कह सकते हैं x, या फिर x इक्वल टू वाट, ये हमें पूछा गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, जो पूछा गया उसे बताना तो हमारा काम है, इतनी बात। और क्या दिया गया, चलिए और हमारा दिया गया देन परसेंटेज ऑफ सेकंड का परसेंट, दोनों का परसेंट पूछा ना, देन परसेंटेज ऑफ 8x18 इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए अभी आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी मैथ, बहुत आसान सी मैथ है, अगर आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा, कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई दो एलिमेंट है, टोटल परसेंटेज दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, एक का बता दिया कि एक्स परसेंट है, पता तो है नहीं क्लियर, तो इन्होंने कह दिया एक्स परसेंट है, दूसरे का कितना होगा 100 माइनस एक्स होगा ना, समझिएगा, कॉमन सेंस लगाइए तभी आपको समझ में आएगा।
अगर एक का परसेंटेज एक्स परसेंट है तो दूसरे का क्या होगा? 100 माइनस एक्स होगा ना, 100 माइनस एक्स। इतनी बात अगर आपको समझ में आएगी तो आप फॉर्मूले में रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो परसेंटेज था कितना था, एक्स परसेंट था, यहाँ परसेंट का सिंबल भी लगा देते हैं, उसका कितना था 100 माइनस एक्स परसेंट था। अब आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से करिए अरेंज। एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी दिया उन्होंने, कितना दिया आपको पता है, तो किससे नाप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सैंपल इज 16.2, तो अगर हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या रखेंगे, 16.2 इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट का मास यहाँ पे कितना, 16 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा आपका, आप देख लीजिए उसी का परसेंटेज, तो परसेंटेज पता नहीं तो आप x कर दीजिएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल हम यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई x। अपान में आप 100 कर दीजिए, अपान में आप 100 कर दीजिए, ब्रेकर क्लोज कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ब्रेकर क्लोज करेंगे आपको अगला लिखना होगा दूसरे एलिमेंट के लिए, प्लस का सिंबल लगा दीजिए आप यहाँ पर, और साथ में अगला ब्रेकेट लगाइए, फिर क्या होगा, मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो मास कितना 18 मल्टीप्लाई बाई उसका परसेंटेज, तो उसका परसेंटेज कितना 100 माइनस एक्स था, अभी आपने निकाला था ना सेकंड का परसेंटेज। अब कुछ को थोड़ा कठिन लग रहा होगा जिनकी मैथ वीक है, पर परेशान ना होइए आपको समझ में आ जाएगा। अपान क्या करना था, 100 करना था। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो भाई साहब बहुत ही बुरी बात है कि आपको मैथ नहीं आती, पर नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको सॉल्व करूंगा। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली आंसर लिखने वाला हूँ, यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू आपका आएगा 90%, तो ये पहले की वैल्यू आई, पहले की, ये पहला कितने परसेंट आया, ये वाला 90% आया ना परसेंटेज, आप इसकी आ गई आपके, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ये आ गया भाई पहला। तो दूसरा क्या आएगा, इसका भाई पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, तो आपको पता कि 100 माइनस क्या करना था, x करना था, तो दूसरे के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा चिपकाओ इसको यार, 100 माइनस x करेंगे तो क्या होगा, 100 माइनस 90 सो इक्वल टू 10% आ गया ये आंसर। तो देखिए इतना आसान था, बट अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो आप नहीं कर पाएंगे, तो मैं उतने आसानी से कैलकुलेशन यहाँ करूँगा भी नहीं, क्योंकि इस पे डेस्कटॉप पे लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, पावर लगाओ फिर आगे पीछे करो, टाइम भी नहीं होता। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन से संबंधित हो आप व्हाट्सअप करिएगा, और ये आज का आपका नोट्स है तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्टार्टिंग से कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया तो आप वीडियो जो ऑफलाइन मिलती है वहां से नोट्स बना लिया करिए। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, अदरवाइज मैं मीटिंग को फिनिश करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ श्रेया जी कुछ पूछना चाहती हैं, आप आईडी ऑन करके पूछिए। बेटा श्रेया आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। अगर किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं।